मूंग मेथी की दही वाली सब्जी हम लेके आए हैं, झटपट बनने वाली सब्जी। वी आर बैक अगेन विद द लवली मॉम है निशा समरा के घर आए हैं। वो हमें दिखा रही हैं कि दही की ग्रेवी की सब्जी आप कैसे बना सकते हैं झटपट रोज। सो आंटी स्टार्ट करें आज की शानदार रेसिपी। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे रेडी हैं और हम यहाँ पे भगोनी में बना रहे हैं जी। ये मैंने पहले घी लिया है इसके अंदर और अब हम इसमें भी हींग बहुत जरूरी है। हींग का तड़का बहुत जरूरी है तो ये मैंने थोड़ी सी हींग ली है। इसमें सिर्फ दही का छौंक चाहिए इसलिए मैं इसमें दही ले रही हूँ थोड़ा सा और दही में सारे मसाले मिक्स करूंगी। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। घी अपना गर्म हो चुका है, मैंने थोड़ा सा हींग छोड़ी है इसमें। ये थोड़ी सी राई है, और जीरा है। और दही की जो सब्जियां होती हैं वो घी में ही बनती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंटी हमें ऑलरेडी बता चुकी हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी। अभी मैं इसको गैस को बंद करूंगी क्योंकि हमको दही का छौंक लगाना है। तो इसको बंद करने के बाद ये सारे मैंने मसाले इसमें मिक्स कर दिए हैं। ये देखिए बिल्कुल हमारा दही फटा नहीं है क्योंकि हमने गैस बंद कर दिया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है यहाँ पे कि जब आप दही फेटा हुआ हमने यहाँ पे डाला है और गैस बंद करके डाला है और दही को पकाना जरूरी है, ये भी ध्यान रखे आपको। अब गैस वापस से ऑन कर देंगे हम और सिम पे करके इसको पकाते हैं ऐसे जब तक इसका पूरा घी नहीं निकल जाता दही को पकाते रहेंगे। तो हम इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, कोई रीजन है कि इसमें बनाने से क्या होता है कि ये दही का जो है मसाला पूरा कढ़ाई में बना सकते हैं पर वो जो फैला हुआ रहता है ना उससे थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद प्रॉपर बने नहीं बने। अच्छा, सब्जी में होती तो भगोनी में अच्छे से बन जाती है। हाँ, जैसे आलू तो हमको फ्राई करना होता है इसलिए कढ़ाई में ही बनाने होते हैं हमको। हाँ, लेकिन ये सब्जी अगर आप भगोनी में बनाए तो ज्यादा अच्छा है और थोड़े मोटे पैदे के लिए ताकि दही पकाने में अपने को ईजी रहे। एकदम पतली तपेली, देखिए आप इसमें घी निकलने लग गया है जैसे जैसे मैं हिला रही हूँ, ये देखिए। और देखिए दही भी हमारा बॉईल भी आ चुका है। कढ़ाई में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा शुरू से इसीलिए बनाती हूँ मैं तो वो अच्छे से उबाल आ गया। हाँ, अच्छे से कलर और उबाल एकदम आ चुका है और मैंने पहले से इसमें से ये मूंग बॉईल कर रखे हैं। मूंग को इतना मिनिमम इतना बॉईल करना है आपको, खड़े मूंग नहीं चाहिए, थोड़े से ऐसे मैश्ड वाले मूंग चाहिए। अच्छा, तो इनको सोक करना होता है हमें? नहीं, सोक नहीं, आप डायरेक्ट चढ़ा सकते हो। डायरेक्ट चढ़ा के इसको हम पानी में इसको थोड़ा हमें सॉफ्ट बनाना है। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि नहीं तो पानी फुल वेस्ट हो जाएगा। इसको मीडियम लिक्विड बनाना है, सेमी लिक्विड। अच्छा, कितनी सीटी लेनी होती है? करीब 2-3 सीटी ले लीजिए। हाँ हाँ, अगर नहीं बने तो एक बार आपको चढ़ा दीजिए, लेकिन इतना ये ऐसा मैश होना चाहिए, खड़ा हुआ मूंग नहीं चाहिए इसमें, तो इसमें टेस्ट अच्छा आएगा, तो घुल मिल जाएगा पूरा दही। अब देखिए ये मसाला पक गया है। अब मैं इसमें हरी मेथी डालूंगी जो आपको कहीं भी पंसारी की दुकान में मिल जाएगी आपको। हरी मेथी, हरी मेथी अगर नहीं हो हरी मेथी तो हम पीली मेथी भी डाल सकते हैं, पर इसका तो टेस्ट थोड़ा कड़वा कम होता है ये और अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो ये देखिए मैंने 2-3 स्पून मैंने डाली, छोटे स्पून में, ज्यादा बड़े नहीं है इसको। मैंने अब इसको 2 मिनट में पकने छोड़ूंगी क्योंकि मेथी को भी फूलना फूलने के लिए छोड़ना पड़ेगा इसको, तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे छोड़ रही हूँ ताकि ये फूल जाए। ज्यादा पकाना नहीं है तो कड़वी भी हो जाती है कई बार। तो थोड़ी हम स्लो गैस पे ही कर रहे हैं सर, बिल्कुल स्लो गैस पे कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल सकती हूँ हल्का सा क्योंकि दही अपना पक चुका है, तब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। सो जब तक हम ये हो रहा है आंटी, तो फिर हमारा एक और गाना हो जाए ताकि खाना बनाते बनाते टाइम पास भी बहुत अच्छा होता है। आंटी ने ही बताया कि आंटी पता भी नहीं चलता कि आप खाना कैसे बना रहे हैं जब आप गाना गा के बनाते हैं। तो जी बिल्कुल, गाना सुनिए तो भी जल्दी बन जाएगा, गाना गाएंगे तो भी जल्दी बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो स्टैंडर्ड हो गया है, आज का दिन अधूरा है आंटी गाने के बिना। तो बताइए, ये बताइए। अजीब रास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिले है कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब रास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म,
ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। अजीब दास्ता है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न। थैंक यू। देखिए पता भी नहीं चलता, गाना भी हो गया और हमारी सब्जी में मूंग भी डल गए, टाइम का पता भी नहीं चलता, इतना अच्छा गाते हैं आंटी। मेरे लिए यहाँ पे आने का सबसे बड़ा इंसेंटिव गाना भी होता है आंटी, खाने के संग संग आपकी रेसिपीज तो अच्छी होती ही है, साथ में गाने से उसमें चार चांद लग जाते हैं और मजा आ जाता है। देखिए मैं कह रही, ये बहुत ही फायदेमंद सब्जी भी है क्योंकि इसमें बहुत प्रोटीन है। मूंग में जब होल दाल होती है ना, तो होल दाल के अंदर बहुत प्रोटीन होता है जो बच्चों को भी अच्छे से दिया जाता है। मेथी इटसेल्फ है, हड्डियों को मजबूत करती है, और मूंग जो है इसमें बेसिकली प्रोटीन बहुत होता है। इन ऑल दिस इज वेरी हेल्दी फूड यू कैन से। तो देखिए यहाँ पे दही वाले मूंग की सब्जी है, मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको ऐसे करके दिखाती हूँ। मूंग और देखिए आप आंटी यहाँ दिखा रही है उनकी ये रेसिपी है, दही दही वाले मूंग की रेसिपी, कितनी अच्छी लग रही है, टेस्टी भी लगेगी, गर्मा गर्म चपाती के संग खाइए, कोई और सब्जी बनाने की भी जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच आंटी फॉर द वंडरफुल सॉन्ग प्लस वंडरफुल रेसिपी जो आपने दिखाई, इट वाज अ प्लेजर है। जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में, सो आप बनाइए खाइए और इंजॉय करिए, आप कुकिंग हो गई आसान। बाय बाय एवरीवन।